हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, 1 to 7 क्वेश्चन मैं एक दूसरे वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और ये एक वीडियो जिसमें 8 to 16 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस करूंगा, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग पूरे वीडियो को देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? When 12 volt battery is connected across a unknown resistor, मान लो एक resistor है जिससे 12 volt की battery को add किया जा रहा है, 12 volt की battery को, और current कितने ampere का flow हो रहा है? 2.5 milli ampere, means current का value दे रखा है 2.5 milli ampere, और तो current का value 2.5 × 10⁻³ एम्पियर होगा, क्योंकि 1 मिली इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³। अब यहाँ से V का वैल्यू भी गिवन है 12 वोल्ट। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ये R का वैल्यू निकालना है। तो R इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से R का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन I। V का वैल्यू है 12, I का वैल्यू 2.5 × 10⁻³। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही आंसर होगा, तो 12 upon 2.5 × 10³, क्योंकि पावर नेगेटिव में जब वो डिनोमिनेटर में होता है, उसके बाद अगर हम नोमिनेटर में उसे ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा, जीरो। अब ये 25 से कट हो सकता है क्या, 25 से कट कर लो, 5 जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा, इसको कट कर लो, 5 4 जा 8, मीन्स 4.8 × 10³ ओम। या तो इसको यहीं तक रहने दो, या अगर बुक से आंसर मैच कराना चाहते हो तो 4 8 00 ओम इतना आएगा, 4800 ओम रेसिस्टेंस इतना आंसर आएगा। ओके, कैलकुलेशन सही से करना, आंसर आ जाएगा। ओके, 1, 2, 3, 4 and 5 रेसिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज दैट 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम and 12 ओम कनेक्टेड विद द 9 वोल्ट बैटरी। ये 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड है। फाइंड द करेंट थ्रू 12 ओम रेसिस्टर, 12 ओम रेसिस्टर के साथ रेसिस्टर से कितने करेंट फ्लो होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ करेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल इन ईच रेसिस्टेंस, ईच रेसिस्टेंस में करेंट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल। अगर हम इस सर्किट के थ्रू करेंट का वैल्यू निकाल लें, वहीं करेंट 12 ओम के रेसिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, वहीं 0.5 ओम वाले के पास से भी फ्लो होगा। मींस मेरा टारगेट क्या है, इस सर्किट में कितना करेंट फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट करना। तो इस सर्किट का करंट फाइंड आउट करने से पहले हमें R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने रेसिस्टेंस है सबको प्लस कर लो, मीन 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। अब ये सबको प्लस करेंगे, इतना ओम, अभी सबको प्लस करो, 5 4 9 3, 12 2 14, 1.4 प्लस 12 मीन्स 13.4 ओम, ये आ गया। और V का वैल्यू कितना दे रखा है, 9 वोल्ट। अब देखो करेंट का वैल्यू ओम्स लॉ से V अपॉन R, और V का वैल्यू है 9, R का वैल्यू है 13.4, ये डेसिमल रिमूव होगा, ऊपर जीरो। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो करंट का वैल्यू कितना आएगा,
करंट का वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 0. इसको 2 से पहले कट कर लो, 26 जा 27 जा 245 मींस 45 अपॉन 67। इतना एम्पियर भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी ला करके छोड़ सकते हैं हम लोग। तो इतने एम्पियर का करंट फ्लो होगा 12 ओम वाले रेसिस्टर से। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि 176 ओम के कितने रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करें, पता नहीं कितने कनेक्शन है, मैंने एन मान लिया, एन रेसिस्टर है मान लो, कि इसको अगर हम 220 वोल्ट बैटरी से जोड़े तो करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है। तो अब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितने रेसिस्टेंस हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि मान लो जितने भी रेसिस्टेंस है उसका आर इक्विवेलेंट आर ई क्यू है और वो 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और करंट का वैल्यू कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से वी है 220, आई है 5, 44 ओम। अब नंबर ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब नंबर ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें फाइंड आउट करना हो तो इच रेसिस्टेंस का वैल्यू अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला होता है ना। इच रेसिस्टेंस क्या है, 176, आर इक्विवेलेंट कितना है 44, इससे कट होगा कितना जाएगा 4, मींस 4 रेसिस्टर उसमें कनेक्टेड था, एन का वैल्यू कितना आ गया 4 आंसर, एन का वैल्यू कितना आ गया 4 आंसर। तो कैसे हुआ समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज दैट, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर इच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस 9 ओम एंड 4 ओम। इस कॉम्बिनेशन को आपके पास 3 रेसिस्टर का वैल्यू गिवन है, 1, 2 एंड 3, इसको किस तरीके से कंबाइन करना है कि आर इक्विवेलेंट कितना आ जाए 9 ओम, और सेकंड में क्या कह रहा है कि इसको कैसे कंबाइन करें कि आर इक्विवेलेंट कितना आ जाए 4 ओम। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 ओम है तो हम क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस को सीरीज में लेंगे, बाकी दो रेसिस्टेंस को हम पैरेलल कंबाइंड करेंगे और अब इसका हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये तो सीरीज में है 6 प्लस, अब ये पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2, इसका वैल्यू निकालेंगे 6, 1 प्लस 1 2 अपॉन 6, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आया तो आर इक्विवेलेंट कितने होंगे, कैंसिल करो 1 अपॉन 3 तो आर इक्विवेलेंट होंगे 3, रेसिप्रोकल होता है ना। तो अब इसके बदले जो सर्किट बनेगा ये 6 ओम और इस दोनों के बदले क्या आया 3 ओम, अब इसके आर इक्विवेलेंट क्या होंगे 6 प्लस 3 9 ओम, मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ही एक पॉसिबल है, बाकी और किसी भी कॉम्बिनेशन से हम 9 ओम वैल्यू नहीं ला सकते। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि अब इस 3 रेसिस्टेंस को किस मेथड से कंबाइंड करें कि आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 4। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास एक ही कॉम्बिनेशन
लेफ्ट है वो है थ्री रेसिस्टेंस को यदि हम लोग पैरेलल कॉम्बाइंड करें, थ्री रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बाइंड करें तो क्या होगा, इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम क्या आएगा 6, 3, 2, 1/2, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2। हमने पिछले कॉम्बिनेशन से देख लिया था आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा था 9, अब तीनों को अगर सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 + 6 + 6, 18 ओम। दैट मीन्स 4 ओम कैन नॉट बी पॉसिबल बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन या तो रॉन्ग है या इसमें आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ आर इक्विवेलेंट इज 4 ओम। आई बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज क्या है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स आर कनेक्टेड 10 वॉट। पहले यहां तक का मीनिंग समझते हैं, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड, इलेक्ट्रिक बल्ब को डिजाइन किया गया है जिसको यूज करना है और उसका पावर कितना है 10 वॉट। हाउ मेनी लैंप्स, मतलब इस बल्ब को हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने ऐसे ऐसे बल्ब को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करें विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 लाइन्स, 220 वोल्ट लाइन्स, इफ द मैक्सिमम एलाउेबल करेंट इज 5 एम्पियर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सर्किट फॉर्म हो रहा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट और करेंट कितना सप्लाई होगा यहाँ से मैक्सिमम, तो इस सर्किट का मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्या होगा। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस वी अपॉन आई मीन्स 220/5, 44 ओम मीन्स जितने लैंप्स लगाने हैं पैरेलल में उसका नेट आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होना चाहिए 44 ओम के, क्योंकि इस सर्किट में मैक्सिमम कितने ओम के रेसिस्टेंस यूज हो सकते हैं 44, क्योंकि मैक्सिमम करंट कितना है 5 ओम। अब हम आएंगे लैंप के बारे में, ये जो लैंप है वो लैंप क्या है, उसका पावर है 10 वॉट और इसी लैंप को पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। मान लो लैंप को मैं रेसिस्टेंस से डिनोट कर लिया, तो ये मान लो एन है और इसको हमें किस में कनेक्ट करना है पैरेलल। तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस बल्ब का या इस लैंप का इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कितना है। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला आपको पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये जो आर है ये ईच लैंप का हो या बल्ब का, है ना, ये जो आर था ये सर्किट का टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस। तो यहां से आर इक्वल टू क्या होगा, ईच लैंप का आर, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी का वैल्यू क्या है 220 का स्क्वायर मीन्स 220 को दो बार लिखेंगे और पी का वैल्यू कितना दे रखा है 10, ये कट हुआ 4840, 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 484 और ये 0 मीन्स इतने ओम का रेसिस्टेंस है, इच बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है वो, और इसका पैरेलल कॉम्बाइंड करने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 44 ओम। तो कितने नंबर ऑफ बल्ब होगा, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बल्ब या नंबर ऑफ लैंप्स क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ बल्ब निकाल, नंबर ऑफ लैंप्स क्या होगा, तो आर ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपॉन आर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन्स हैज टू रेसिस्टेंस क्वाइल ए एंड क्वाइल बी, ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंस
विच मे बी यूज्ड सेपरेटली। ये फर्स्ट कंडीशन है कि पहले ये जो रेसिस्टेंस है 24 ओम का, इसको फर्स्ट केस में सेपरेटली यूज हो रहा है, और सेकेंड केस में सीरीज कॉम्बिनेशन, और थर्ड केस में क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस दोनों रेसिस्टेंस का। और इच केस में हमें करेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले फर्स्ट केस में आएंगे। इच मतलब एवरी रेसिस्टेंस को किससे ऐड किया गया, 220 वोल्ट इसको सेपरेटली 220 वोल्ट। तो इसमें करेंट का वैल्यू क्या होगा, तो करेंट का वैल्यू I इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, V का वैल्यू क्या दे रखा है 220 वोल्ट, और R का वैल्यू क्या दे रखा है 24, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मींस 5 एम्पियर करेंट फ्लो होगा। सेपरेटली मींस दोनों में 5 एम्पियर करेंट फ्लो होगा। फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है कि इसी रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइंड किया गया, सेकेंड केस में सीरीज। तो सीरीज में सेम को अगर हम कंबाइंड करेंगे उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो करेंट का वैल्यू होगा वो ये है 24 ओम और ये भी क्या है 24 ओम। तो पहले इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू मीन्स 24 प्लस 24 मीन्स 48 ओम, और ये इसका वैल्यू कितना हो गया 48 ओम, और इससे कितने वोल्ट के बैटरी लगा हुआ है, तो 220 वोल्ट के बैटरी लगे हुए। अब यहाँ पे करेंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी करेंट का वैल्यू होगा V अपॉन R, V का वैल्यू कितना है 220, R का वैल्यू क्या है 48। अब इससे पहले हम इसको कट डाउन करेंगे तो क्या होगा, 4 से 4 12 जा और 4 से 4 5 जा एंड 4 5 जा, फिर आगे इसको कट डाउन करेंगे तो 12 4 जा 48, 48 7 5 जा, है ना। तो 4.5 एम्पियर के अराउंड करेंट फ्लो होगा, 4.5 के अराउंड, है ना। थर्ड कंडीशन क्या है इसमें, थर्ड कंडीशन में है कि अब इसी रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कॉम्बाइंड करेंगे, है ना। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, इसी रेसिस्टेंस को हमें पैरेलल कॉम्बाइंड करना है और बैटरी सेम है 220 वोल्ट से। तो ये है 24, ये है 24, तो पहले इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/24 प्लस 1/24 LCM 24, 1 प्लस 1 2 12 मीन्स 1/12, ये है 1/ R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 12 ओम, मीन्स अब जो करेंट सप्लाई होगा उसमें R का वैल्यू क्या है 12 ओम और V का वैल्यू क्या है 220 वोल्ट। तो अब I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V का वैल्यू है 220/12। अब इसको कट करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से 2 6 जा 110, अब ये फिर 2 से कट कर लेते हैं 25 जा और 25 जा और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 31 जा एंड 2 38 जा 18.3 एम्पियर 33 ऐसे एम्पियर। तो आई हैव फाइंड आउट ऑल थ्री कंडीशन करेंट। फर्स्ट में क्या था सेपरेटली, उसमें 5 एम्पियर आया था। सेकेंड में क्या था सीरीज, उसमें 4.8 एम्पियर। थर्ड में क्या है पैरेलल, तो इसमें 18.33 एम्पियर। तो सबसे ज़्यादा करंट किसमें फ्लो हो रहा है, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन। आया समझ में, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अब हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। टू सर्किट्स हमें गिवन है,
और दोनों में पावर का कंपेयर करना है, किस रेसिस्टेंस में, 2 ओम वाले रेसिस्टेंस में। तो स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट सर्किट की बात करेंगे। फर्स्ट सर्किट में क्या है, 6 वोल्ट बैटरी इज 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। पहले इस टू रेसिस्टर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको ऐड करेंगे और उसके साथ बैटरी 6 वोल्ट वाले को लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें पावर पहले फाइंड आउट करना है, तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है वो इच रेसिस्टेंस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होते हैं। तो आई का फॉर्म पी निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, आई। तो आई के लिए आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वी का वैल्यू कितना है 6, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, आर इक्विवेलेंट 2+1 3 ओम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1+R2 होता है 3 3 2 6 2 एम्पियर करेंट फ्लो होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जब करेंट और रेसिस्टेंस का वैल्यू गिवन होता है तो आई स्क्वायर आर। तो आई का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर कितना है 2 2 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 वाट। इसमें पावर कितना आ गया 8 वाट। अब सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में क्या है कि अब दूसरा सर्किट तैयार हो रहा है, इसमें 12 ओम रेसिस्टेंस 2 ओम रेसिस्टेंस को पैरेलल कंबाइंड किया गया और इसे ऐड किया गया 4 वोल्ट बैटरी के साथ, और 4 वोल्ट बैटरी के साथ ऐड करने के बाद फिर से हमें इस 2 ओम वाले रेसिस्टेंस में पावर फाइंड आउट करना है। तो अब हमें V का वैल्यू दे रखा है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच रेसिस्टेंस। तो पावर के लिए यहाँ पे करंट का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V का वैल्यू कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 किस रेसिस्टेंस में निकालना है 2 ओम वाले रेसिस्टेंस में, ये कट गया कैंसिल हो गया, तो 4 2 8 वाट पावर, 8 वाट पावर सेकेंड केस में भी और फर्स्ट वाले केस में भी। तो पावर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके 15 की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2 लैंप्स आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। मीन्स फर्स्ट जो लैंप है उसका रेटेड क्या है 100 वाट पावर है और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड द अदर रेटेड सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड लैंप 60 वाट एंड 220 वोल्ट और इसे कॉम्बाइंड किया गया पैरेलल में। टू लैंप को कॉम्बाइंड कर लिया गया पैरेलल में। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन इज दैट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। स्टूडेंट्स पहले हम इस टू लैंप्स का टोटल पावर फाइंड आउट करते हैं। इफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन मींस इस पूरे सर्किट का जो नेट पावर होगा, पावर ऑफ सर्किट वो क्या होगा 100+60 160 वाट। मीन्स ये जो लैंप है इसका नेट पावर कितना हो गया 160 वाट और इसके थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट। समझना, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1+1/R2 करते, लेकिन हमने यहाँ पावर नेट पावर निकाला, इसका पावर 100 इसका पावर 60, तो टोटल पावर कितना हो गया 160 वाट इस सर्किट का। अब यहां से देखो P का वैल्यू दे रखा है और V का वैल्यू भी दे रखा है 220 वोल्ट, हमें निकालना है I। तो I इक्वल टू क्या होता है P अपॉन V, क्योंकि पावर में फॉर्मूला पढ़ रखे हैं हम लोग P इक्वल टू VI। अब P का वैल्यू है 160 अपॉन 220, ये कैंसिल हो गया 2 8 जा 2 11 जा यानी 8/11। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8/11 का 0.72,
नियर अबाउट इतने एम्पियर आंसर होगा। मींस इस सर्किट के थ्रू कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 0.72 एम्पियर का। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों को एक साथ करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट टू क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन के हैं। बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन बचे उसे मैं भी डिस्कस करूंगा, पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल को पहले फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच यूज मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टू टोस्टर इन 10 मिनट्स। टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं और एक टीवी सेट है, टीवी सेट और टीवी सेट में पावर कितना है 250 वॉट, और कितने टाइम के लिए इसको ऑन किया गया है, 1 आवर के लिए। तो इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी कहो या वर्क कहो, वो क्या होता है, किलो वॉट आवर पढ़ाया था मैं आपको, यानी पावर मल्टीप्लाइड टाइम, P मल्टीप्लाई टी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई टी, यानी 250 मल्टीप्लाई 1, हम आवर में ही रख रहे हैं टाइम को, यानी 250 मेरा एनर्जी यूज हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होता है, जूल, जूल आवर, वॉट आवर, जिसको हमने क्या लिख दिया, जूल। और यहाँ पे या यहाँ पे वॉट आवर लिखो, दोनों एक ही चीज है ना। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, टीवी सेट के बाद क्या है, टोस्टर है। टोस्टर में क्या है कि उसका पावर का वैल्यू है 1200 और टाइम कितना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर वाले टाइम को हमने आवर में लिया है, तो 10/60 यानी 1/6 आवर। अब यहाँ पे हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई टी, और P मल्टीप्लाई टी पावर कितना है 1200 मल्टीप्लाई 1/6 कैंसिल होगा 200, मीन्स 200 वॉट आवर। ये इतना एनर्जी आया और ये इतना एनर्जी आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है विच यूज मोर एनर्जी, मोर एनर्जी को कौन यूज कर रहा है, तो मोर एनर्जी टीवी सेट यूज कर रहा है 250 वॉट आवर, इतने एनर्जी का कंजम्पशन वो टीवी सेट कर रहा है। क्लियर हुआ 16 क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 17 क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन फॉर 2 आवर। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो रेट एट विच हीट मीन्स हीट अपॉन टाइम, ये फाइंड आउट करना है। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना। तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है 8। टाइम तो कैंसिल हो गया तो टाइम का तो कोई यूज नहीं रहा, यानी 15 मल्टीप्लाई 8 मीन्स 225 मल्टीप्लाई 8 मीन्स 1800 हम लोग निकाल के आ रहे हैं, ये पावर आएगा ना, क्योंकि हीट अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो इतना वॉट आंसर आएगा, है ना। कैलकुलेट द रेट, तो रेट ऑफ हीट मीन्स पावर हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम हीट एक एनर्जी है ना, क्या आता है पावर। तो आंसर क्या होगा 1800 वॉट।